नमस्कार, तापवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार पांडे। आज हम लोगों को पढ़ना है नंबर। नंबर के दो भेद होते हैं, कितने? दो। नंबर के दो भेद होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग्स। सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति या वस्तु की बात होती है। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग्स। और प्लूरल नंबर में मोर देन वन पर्सन आर थिंग्स की बात होती है, एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो हमें याद होगा जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, वर्ब में एस और एस जोड़ के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि वर्ब का जो फॉर्म्स होता है हमेशा प्लूरल में होता है। नाउन में हम एस या ईएस जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। नाउन के लिए फॉर्मेशन अलग है, कुछ रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। आइए कुछ नियमों की चर्चा करते हैं। आज कुछ नियमों पर वार्तालाप करते हैं। फर्स्ट नियम है, सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ के प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कैट, कैट्स हो गया, डॉग, डॉग्स हो गया, एलिफेंट, एलिफेंट्स हो गया, टॉय, टॉयज हो गया, ऐसे करके हम उसका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमको ऐड करना होता है, कुछ अलग रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट रूल्स हो गया कि सामान्यतः कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में यस जोड़ के हम उसको प्लूरल बना देते हैं। दूसरा रूल्स है, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो, क्या क्या हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो, ये आए कहाँ? अंत में। तो उसको प्लूरल बनाते समय हम उसमें ईएस जोड़ देते हैं। जैसे बेंच, बी ई एन सी एच, बेंच लास्ट में क्या आ रहा है? सी एच, बी ई एन सी एच, तो सी एच आ रहा है, इसलिए इसके अंत में क्या है? सी एच। तो सी एच आ रहा है अंत में, तो इसमें हम ईएस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बेंचेज। ठीक है, क्लास, सी एल ए डबल एस, लास्ट में क्या आ रहा है? डबल एस, तो क्लासेज हो जाएगा। टैक्स, टी ए एक्स, टैक्सेज हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्सेज हो जाएगा। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है। अपवाद क्या होता है? एक्सेप्शन, जो नियम को फॉलो नहीं करता। जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में इन सब में से हो, यस, डबल एस, एस एच, सी एच तथा एक्स या जेड में से कोई हो, तो हम ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ है, सी एच का जो सेंस हो वह च हो। यहाँ दो अपवाद है, मोनार्क और स्टोमक। मोनार्क, एम ओ एन ए आर सी एच, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मोनार्क, लास्ट में क आता है, क, तो उसको हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे, मोनार्क्स हो जाएगा, स्टोमक में स्टोमस हो जाएगा, स्टोमस। अब इसमें होता क्या है, जनरली हम फॉलो करें, जनरली हम देखें तो राजा और पेट किसी के नियम का पालन नहीं करते, राजा और पेट किसी के नियम का पालन नहीं करते। इस नियम में एक और अपवाद है, ऑक्स, ऑक्स, तो ऑक्स में हम ऑक्शन करते हैं, ऑक्स में ई एन जोड़ते हैं, ऑक्शन होता है। इस क्या अपवाद है? तो जनरली एक ट्रिक देखते हैं अपवाद के तौर पे, क्या है? तो राजा का पेट बैल जैसा है, राजा का पेट कैसा है? राजा का पेट बैल जैसा है, यानी आपका ऑक्स, स्टोमक और मोनार्क अपने रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्स, ऑक्स के साथ ईएन लगता है, जबकि स्टोमक और मोनार्क के साथ क्या लगता है? यस लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब रुख करते हैं अगले नियम पे। अगला नियम है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो, वाई हो और वाई के पहले क्या हो? कंसोनेंट हो, तो उसमें हम वाई को
हटा के IES जोड़ देते हैं, जैसे बेबी, BABY। वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट है, वाई के पहले बी है और बी कंसोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, BABYES, BABIES, बेबीज हो जाएगा, BABIES। अब जो है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो, वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो, तो उसको हम प्लूरल बनाते समय उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगला नियम ये है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो उसको हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, एफ या एफ ई हो तो उसको प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसमें हम जोड़ देते हैं वी ई एस, जैसे वाइफ, वाइफ में डब्ल्यू आई एफ ई और वाइफ में एफ ई को हटा के हम जोड़ देंगे वाइफ्स, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ अपवाद भी है, इस नियम का कुछ अपवाद है, उस नियम के अपवाद को देखते हैं और उस नियम के अपवाद को देखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो काफ़ी आसान है और आप इजीली याद कर सकते हैं, ज़बरदस्त ट्रिक फॉर इस नियम के अपवाद के लिए, एक्सेप्शन के लिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए, अपवाद यह है कि चीफ के सेफ में चोरी हुई, चीफ के सेफ में चोरी हुई, सेफ मीन्स होता है तिजोरी, चीफ के सेफ में चोरी होती है एक ड्वार्फ ऑफिसर, एक ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, एक ड्वार्फ ऑफिसर प्रूफ ढूंढने के लिए रूफ पर चढ़ा, वहां उसे क्लिफ के पीछे, वहां उसे क्लिफ के पीछे, क्लिफ के पीछे रखे हैंडकर चीफ पर हुफ का निशान मिला, टू शॉट्स। अब इसको इसको मिलाइए, क्या क्या आपने पाया, चीफ के सेफ में चोरी हुई, चीफ सेफ, एक ड्वार्फ ऑफिसर तो ड्वार्फ हो गया, प्रूफ ढूंढने के लिए प्रूफ हो गया, रूफ पे चढ़ा रूफ हो गया, ये अपवाद है, रूफ पे चढ़ा, वहां उसे क्लिफ के पीछे रखे हैंडकर चीफ पर हुफ का निशान मिला। तो ये आपके नियम का अपवाद है, इसके अंत में भी एफ और एफ ई है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट बाकी जो नियम है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।